टेक्निकल विकास टीवी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल विकास टीवी को रेड कलर के बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सीखेंगे ITI का हम लोग ओरिजिनल मार्कशीट मोबाइल फ़ोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके कहीं भी हम अपना फॉर्म वॉर्म में लगा सकते हैं। जैसे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म में भी आप उसको लगाएंगे तो आपका वो वैलिड रहेगा। तो चलिए मोबाइल फ़ोन से कैसे हम लोग ITI का मार्कशीट डाउनलोड करना है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। आप ITI कर रहे हैं तो अच्छा बात है, नहीं तो आपका दोस्त फैमिली मेम्बर या किसी भी कभी भी आपका ये जानकारी रहेगा तो आपका काम में आएगा। इस वीडियो को हम लोग देख करके सीख लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में घंटी को भी दबा देंगे ताकि हमारे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सके सबसे पहले। तो चलिए गूगल क्रोम को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है ncvtmis.gov.in। इस साइट का लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। इसको टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का पेज मिल सकता है, आप डायरेक्ट साइट पर जा भी सकते हैं। तो आपको जहाँ तक उम्मीद रहेगा कि इस तरह का ही पेज आपको देखने को मिल जाएगा, ये साइट खुल नहीं रहा है। तो आपको बैक टू सेफ्टी के नीचे एडवांसेड पे आपको क्लिक करना है नीचे में। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आपको देख रहे होंगे प्रोसीड टू ncvtmis.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। ये जा करके अब हमारा खुल गया। इसके बाद आप यहाँ पे इस तरह के पेज में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेनिंग पे आपको क्लिक करना रहेगा। ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद आपको दो तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नीचे क्लिक करना रहेगा ट्रेनिंग प्रोफाइल पे मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह के पेज आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको समाएगा ऊपर में रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे फादर गार्जियन नेम, तो अपना पापा का अपना फादर्स का नाम डाल दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और यहाँ पे ये इंटर टेक्स्ट इमेज और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका ये मार्कशीट डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं ज़रा सा भी कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा मैं दिखाऊँगा। तो चलिए मैं कॉपी करके रखा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दिया था अपना रजिस्ट्रेशन नंबर में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। या आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अब ध्यान देने वाली एक चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको रहेगा अथी आर, यहाँ 00 रहेगा तो 00 को हटा करके आर कर देना है, जैसे कि आपको इस तरह के देखने को मिलेगा। 00 के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा तो 00 का आपको काट देना है और यहाँ पे बड़ा आर आपको लगा देना है। एक चीज़ आप ध्यान देंगे 00 को हटा करके आपको एक आर लगाना है, वो भी बड़ा में होना चाहिए। और यहाँ पे मैं अपना पापा का नाम डाल दे रहा हूँ बड़े अक्षरों में। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ पे जब आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको कैलेंडर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कैलेंडर से ही आपको सेलेक्ट करना है अपना ईयर ये सब। तो चलिए मैं अपना ईयर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जन्म तिथि का 1996 का मेरा जन्म है, ये सेलेक्ट कर लिया। फिर से आप यहाँ से आप फिर आएंगे अपना आप महीना सेलेक्ट कर लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, तो मेरा मार्च का है। अब मार्च में कौन सा दिन का है तो मेरा 4 का है, 4 मार्च 1996 का, तो मैं सेलेक्ट कर लिया 4 मार्च 1996 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे कैप्चर कोड आपको डालना है जो यहाँ पे आपको मिला रहेगा नंबर, तो इसमें 666 है और 333। अब बस आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फिलहाल ये कैप्चर कोड काम नहीं किया, फिर से मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे फिर से कैप्चर कोड ये आ गया। अब कैप्चर कोड को मैं दोबारा से डाल दे रहा हूँ 86048। फिर से मैं सबमिट पे क्लिक किया। अब देखेंगे आप, यहाँ पे मैं फ़िलहाल नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देगा, UID आधार नंबर दिखाई देगा, आपका जन्म
डेट ऑफ बर्थ दिखा देगा, कैटेगरी दिखा देगा और यहाँ पे फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, काफ़ी कुछ आपको पूरा डिटेल आपको दिखाई दे देगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैं उस पेज को मैं अपना पर्सनल डिटेल नहीं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ITI का नेम, आपका ट्रेड इलेक्शन, और यहाँ पे आपका पूरा देखे ट्रेड भी दिखाई दिया आपको। अब इस पेज को मैं दिखा दे रहा हूँ, ITI का मेरा नाम ये है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये फ़ोटो भी मेरा देख रहे होंगे आप जो, और यहाँ पे आप नीचे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह के आप चीज़ आपको नीचे में, सबसे नीचे में आपको मिल जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन दे रहा है, प्रिंट सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पे आप उस जब नीचे में सबसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सबसे लास्ट में आपको हॉल टिकट और मार्कशीट का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए मैं एक मार्कशीट दिखा दे रहा हूँ। या तीन सेमेस्टर का है तो एक सेमेस्टर तो फिलहाल अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तीसरे सेमेस्टर का, उसका तो आपको सादा मार्कशीट, आपका मार्कशीट तो नहीं मिलेगा। लेकिन दो एग्ज़ाम को रिजल्ट आ गया, लिख दिया हूँ एग्ज़ाम, तो दो एग्ज़ाम का मेरा मार्कशीट मेरे को दिखाई देगा। चलिए मैं सेकेंड को आपको दिखा रहा हूँ। सेकेंड पर मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह के ओके पे क्लिक कर देना है, जो भी कुछ परमिशन मांगेगा। फिर से मैं क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे कैंसिल और डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा। अब हमारा डाउनलोड हो करके ये देखिए ओपन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ओपन पे मैं क्लिक किया। अब देख सकते हैं ये हमारा मार्कशीट इसी तरह का आपको मिला होगा ITI से आपका मार्कशीट। यहाँ पे देखिए मेरा रोल नंबर भी यहाँ पे आ गया है, आप देख रहे होंगे यही रोल नंबर मैं आपको टाइप किया था, रोल नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपका वही है। और देखिए पूरा सब कुछ मेरा आ गया यहाँ पे मार्कशीट। तो इस तरह से आप अपना मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ईमेल पर लेकर के आप प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, और इसको कहीं भी आप अप्लाई भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, ये आपका काम करेगा, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सेकेंड का मैं दिखा, अब तीसरा मैं दिखाऊंगा, तो ये तीसरा में सादा ब्लैंक आएगा आपका, क्योंकि इसका तो एग्ज़ाम नहीं लिखा हूँ, तो ये जल्द ही नहीं आएगा, आया है तो सादा तो रहेगा। देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आया, फिर डाउनलोड पर क्लिक किया, ये ओपन किया, देखिए ये सादा है, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोग अभी एग्ज़ाम नहीं लिखे हैं, तो रिजल्ट आएगा तब तो ये छपेगा पेज। फिलहाल फॉर्म भरा गया इसलिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है, इसलिए मैं दो एग्ज़ाम दिया हूँ, दोनों एग्ज़ाम को मैं ऊपर नीचे ये दोनों का मैं रिजल्ट देख सकता हूँ, अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट। आपका दुकान वुकान हो, मोबाइल इंटरनेट से चलाते हो आप, तो आप दुकान में भी अपना कस्टमर को एक फैसिलिटी दे सकते हैं, आप इससे भी कुछ पैसा कमाई कर सकते हैं। तो शायद वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमें व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा डिटेल रहता है। कुछ पूछताछ करना हो तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, 24 घंटा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक लेती है, नमस्कार।